कहाँ की तैयारी है? तावर के साथ जा रही हूँ। तावर के साथ? वृदा, ये वाली ट्यूब लगा लूँ, बहुत जलन हो रही है। जलन तो होगी, किसने कहा था मुझसे टकराओ? सॉरी नहीं कर सकती तो हम दर्दी ही कर लो। तावर मेरा इंतजार कर रहा होगा, बहुत लेट हो गई। बहुत जलन हो रही है नवेरा। तुम इसकी फिक्र छोड़ो और अपनी फिक्र करो। बहुत डांट पिटेगी जब अम्मी को पता चलेगा तुम दावर के साथ बाहर गई हो। नवेरा रुको, ब्लैक सैंडल्स निकालो सामने से मेरी और साफ करके लो। लिहाज करो कुछ, उसका हाथ जला हुआ है बेचारी का। अब हाथ जला है तो क्या तोता पाल के बैठ जाएगी? मुझे एक बात बताओ, जब शादी नहीं करनी दावर से तो फिर उसके साथ घूमती फिरती क्यों रहती हो? ये बात तुम दावर से पूछो, क्योंकि वो मुझे घुमाता फिराता है। मैंने तो जिसको एक बार रिजेक्ट कर दिया सो कर दिया। तुम नहीं सुधरोगी। हाँ, बिकॉज आई एम परफेक्ट। तुम यहाँ बैठी हो, ये लो। ये क्या है? खुद देख लो। ये तो सारे मेरे फेवरेट नॉवेल्स हैं, ये बिल्कुल नए हैं। मुझे क्या दिए? तुम्हें नहीं पता? नहीं, वाकई नहीं पता? नहीं, सही कह रही हो, नहीं पता। नहीं रिबा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Vera, happy birthday। आज इसलिए दिया ये तोहफा। हाँ, मेरा बर्थडे आज, मुझे तो याद ही नहीं रहा। जानती हूँ ना, सबकी बर्थडे याद रखती हूँ, लेकिन अपनी बर्थडे याद नहीं थी। रिदा, तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी का सबसे यादगार बर्थडे। तुमने मुझे इतने अच्छे से विश किया, अच्छा सा गिफ्ट दिया। थैंक यू सो मच। ये बातें कर रही हो? माहम कहाँ है? दावर के साथ गई है। फिर बगैर बताए चली गई ये लड़की, क्या करूं मैं इसका? अच्छा, मेरी प्यारी मोमो, मेरी छोटी सी बात मानेगी क्या? रेरा को थोड़ा सा प्यार कर दो। देखते हैं उसकी। हो सकता है हमारी किस्मत में बेटा हो ही ना। तुम्हारी किस्मत में बेटा नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरी किस्मत में बेटा हो, और मुझे बेटा चाहिए। ज़ाहिदा वो मेरा इकलौता भाई है, औलादे नरीना की ख्वाहिश उसका हक है। तुम्हारे नसीब में नरी होता तो हालात मुख्तलिफ होते। अम्मी, सब इसकी वजह से हुआ, ये हमारा बैड लक है। अम्मी, 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 क्यों करती हैं ऐसे? बहुत गलत करती हैं। रिदा, तुमने उन्हें क्यों कहा कि आज मेरी बर्थडे, और ये भी कहा कि मुझे प्यार करें? तुम जानती हो ना कि उन्हें मेरे वजूद के एहसास से भी तकलीफ होती है। मुझे समझ नहीं आता, पापा को तो उन्होंने माफ कर दिया था, तुमसे क्या प्रॉब्लम है? उन्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनकी प्रॉब्लम्स की जड़ हूँ, और वैसे भी उनका बस किसी और पे नहीं चलता सिवाय मेरे। इसीलिए वो हर टाइम तुम्हें रोनती रहती है। इतना फजूल बातें नहीं करो, मुझे कोई नहीं रोनता है। और जाओ जाके देखो, उन्हें उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, टेंशन में उनका बीपी शूट कर जाएगा। जाओ अपनी।